Assalamu alaikum, my dear YouTube family. Kya hal chal hai aap logon ke? I hope you are all doing well. Aaj bahut special day hai aur main isliye aayi hu aap logon ko dekh ke andaaza ho jayega. Is time main mall mein hu aur yahan pe zyada recording nahi kar paungi kyunki permission nahi hoti. To kuch cheeze hain yahan pe jo ke leni hai mujhe decoration wagaira ki. To wo le lete hain yahan pe. और प्लीज़ 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 अभी कोई भी ये मत बोलिएगा कि ये सब करते नहीं हैं, ये सब होना नहीं चाहिए, ये सब ये वो. इस बारे में बात करेंगे आराम से, तसल्ली से बैठ के. अभी बहुत कुछ है यहाँ पे, तो ये देख लेते हैं. अभी कार्ड वगैरह मैंने लिया यहाँ से और कुछ अपनी मेकअप की कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी ली हैं. तो अभी घर आ गई हूँ मैं और बेडशीट वगैरह और ये बैलून्स वगैरह जो हैं ये ब्लो करने वाले थे, ये जल्दी से करके रख देते हैं. एयर पंप तो मेरे पास है लेकिन उससे इतनी जल्दी हवा जो है भरी नहीं जाती, इस वजह से मैंने उसको एक साइड पे उठाकर सूट दिया है और मैं अपने देसी तरीके से जो है ना इनको बारों में हवा भर रही हूँ ताकि बस जल्दी जल्दी जो है ना मैं भर दूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास. बातें यही करनी थी. तो अब आप लोग यकीनन यही बोलेंगे कि किसी को विश करने के लिए कोई दिन नहीं होता और किसी से मोहब्बत हो तो उसके लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन हम लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आती, टाइम नहीं होता हमारे पास. लेकिन अगर एक दिन बनाया गया है, और जहाँ तक रही हस्बैंड वाइफ की बात, हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को विश कर सकते हैं ना. और आप अपने अम्मी अबू को, अपने बहन भाइयों को अगर एक दिन है तो आप लोग अपने दिल से ज़रूर विश करें उनको. ये स्टिकर्स है, यह वहीं से लेकर आई हूँ, तो ये भी वॉल पे लगा देते हैं, देख लेती हूँ कैसे लगाते हैं. तो मैं ये कह रही थी कि ये दिन जो है, आप आजकल के टाइम में हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते. तो अगर एक दिन है उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपनी अम्मी अबू को विश करें, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को विश करें, बहन भाई एक दूसरे को विश करें और अच्छे से इंजॉय करें. चलें इस रूम को डेकोरेट करना है और मैं कर रही हूँ, जल्दी से इसे डेकोरेट कर लेते हैं. और मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके आने से पहले पहले मैं कर लेती हूँ. और ये मैं लेकर आई थी कार्ड वहीं से और इसको भी मैंने लिख दिया है और इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं. यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं थोड़े से टाइम के लिए. अगर एक दिन है, वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब दो लोग आपस में एक दूसरे से करते हैं, आपका एक रिलेशनशिप होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे माँ बाप का, बेटा बेटी का है, एक रिलेशनशिप तो है ना. और जब आपके दिल में प्यार होता है तो कहते हैं उसे शो करवाना पड़ता है, ज़रूरत होती है शो करवाने की. तो शो करवाना भी चाहिए और अपने प्यारों को एहसास दिलवाते रहें कि आप लोगों को उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, कितनी ज़्यादा चाहत है आपके दिल में. और अच्छी बात है और इस दिन को अच्छे से एंजॉय करें. और अगर आप करना चाहते हैं तो कोई फोर्स करने वाली इसमें बात नहीं है कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ. मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि आजकल का टाइम जो है किस तरह का है. हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते. तो एक सेंस में ये अच्छा भी है. और जो लोग गलत बात करते हैं या गलत तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी. लेकिन जो एक रिलेशनशिप है जो आपका अल्लाह मियाँ की तरफ से बना है, जो अल्लाह मियाँ ने बनाया है, उसे तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से टाइम दे सकते हैं. और उसे आप थोड़ा सा घर को डेकोरेट करके, थोड़ा सा अपने घर में कुछ डिफरेंट करके तो अच्छे से इस टाइम को स्पेंड कर सकते हैं. तो बस मेरी ये एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इस तरह से करूं. तो बस इसी वजह से जो है किया. तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अभी मैं कैंडल्स वगैरह रखने वाली हूँ, वो भी साथ ही रख दूँगी. और
इसके बाद मैं आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी जो मैं आज पहनूंगी। तो बाकी आप लोग जो हैं अपना अपने मुताबिक जिस तरह से आप लोग जो भी समझें आप उस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहें और नेगेटिविटी को बिल्कुल लाइफ से निकाल दें। और जब आप कुछ ना कुछ अपने दिन को अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचा करें, अच्छा होगा। और बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें और बस अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, क्योंकि लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। लो जी माय डियर फैमिली, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है मेरा रेड ड्रेस जो मैंने आज वेयर करना है। ये मैंने वीज़ा से लिया था पाकिस्तान से और ये एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ये आज मैं पहनूंगी और आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर करूंगी। और ये प्योर शिफॉन पे है, ये भी आपको बता देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा और मेरी वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। तो अब मैं आप लोगों को फाइनल डेकोरेशन दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। और मैंने तो कैंडल्स भी ग्लो कर दी हैं, तो देख लेते हैं। ये देख लें ये सब और इस तरह से, और ये वॉल पे। और मज़े की बात, मुझे रोज़ेस नहीं मिले और मैंने फिर आर्टिफिशियल पेटल्स जो हैं वो ही मैं लेकर आई और फिर वही मैंने बस गिफ्ट भी मैंने उनके लिए लिया। वो मैंने उनकी चॉइस का ही था, उनको पसंद था और मैंने उनके लिए लुक के आई थी। और अब मैं आप लोगों को अपनी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और मैंने ड्रेस पहन लिया है, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की क्योंकि मैं किचन में काम भी साथ कर रही थी, तो इस वजह से अभी मैंने हील्स वगैरह कुछ नहीं पहनी। तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए इससे पहले कि अलार्म बजना शुरू हो जाए, कि इस घर में स्मोक है, आग तो नहीं लगी, तो जल्दी से आ जाए। लें जी मुझे अभी फ़ोन आया उनका कि मैं मॉल में खड़ा हूँ और वहाँ से रोजेस नहीं मिल रहे हैं। उनको नहीं पता मैं ऑलरेडी हो आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला। आ गए हैं ये घर और मैंने इनको विश कर दिया है और इन्होंने भी मुझे विश कर दिया, तो अब देखते हैं कैसा लगा। अच्छा विश कर लिया आपको, ये आपका गिफ्ट भी बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, मुझे पसीना आ रहा है मुझे। आ जाएं जल्दी से, आराम से तसल्ली से बैठ के देखेंगे और अपना गिफ्ट भी देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कैसा लगा। मजे की आई है, सेटअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा आपको अच्छा लगा? अच्छा किया। लें जी मेरे मियाँ साहब को रोज़ेस तो मिले नहीं और वो अब मेरे लिए ये ले आए हैं। ये हैं गार्लिक नट्स, लेकिन ये बहुत मज़े की हैं, बहुत यम्मी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। यहाँ की पहली चीज़ जो मुझे इतनी अच्छी लगी है। खैर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और इनका गिफ्ट मैं दिखा देती हूँ आपको, इनको तो बहुत अच्छा लगा और इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ओल्ड स्पाइस ब्रांड इसका, और ये इसका रोल ऑन है। इसके साथ शैम्पू है, एक मिनी है और एक लार्ज साइज है, और इसके साथ सोप भी है, सोप बार, और साथ इसके बॉडी स्प्रे भी है। और ये यहाँ का काफ़ी फेमस ब्रांड है ओल्ड स्पाइस, तो काफ़ी अच्छा है और इनको बहुत पसंद आया। इनकी चॉइस से मैंने लिया था। और बाकी मैं ये कहूँगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इतनी मेहनत के बाद, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिस्सों मान में रखिए, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।